दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज साथ में बनाते हैं ये कटहल दम बिरयानी, जिसे बनाना है बहुत आसान और कम समय में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे लहसुन, मिर्ची और अदरक को मैंने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। आप इसे चाहे तो कूट भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg जो है कटहल लिया है, इसे बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़े से मटर और आलू। आलू को भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। आप आलू या मटर को स्किप कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट जो है और अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 tablespoon। यहाँ पे 1 tablespoon डाल दिया है मैंने काश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पे मैंने डाला है 3 चम्मच सुहाना बिरयानी मिक्स। आपको पता ही होगा मैं हमेशा बिरयानी के लिए ये सुहाना बिरयानी मिक्स लेती हूँ। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिर्ची, अदरक और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट बनाया था, वो डाल देंगे इसमें। अब मैंने इसमें डाला है 5 बड़े चम्मच दही, लगभग ये आधी कटोरी दही थी। अब इसे अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। अब इसे हमें 15 मिनट के लिए जो है रेस्ट पे रखना है। इस बिरयानी को मैंने जो घर पे डेली राइस खाते हैं हम, उसी से बनाया है। आप चाहे तो बासमती राइस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा राइस लिया है। इसे मैंने जो है अच्छे से धुल लिया है और आधे घंटे के लिए इसे हमें भिगो लेना है। और यहाँ पे मैंने 4 medium size के प्याज को लंबे लंबे से कट कर लिए हैं। अब कढ़ाई में डालना है हमें ऑयल और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब ये इस तरह से दिखने लगेगा तो इसे हम निकाल लेंगे। पहले इसका ऑयल सारा निकालेंगे हम इस तरह से, और इसे हमें फैला के रख देना है। अब इसी ऑयल में मैंने जो मैरिनेशन किया हुआ कटहल और आलू मटर था, इसे हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि लगभग ये 15 मिनट हो चुके थे। इसे स्टर करेंगे। इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इस तरह से कुक करेंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं। इसे एक बार ढक के हमें कुक करना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। बीच बीच में इसे हम स्टर करते रहेंगे। अब यहाँ पे भगोने में मैंने डाल दिया ढेर सारा पानी। इसमें डालेंगे हम नमक, कुछ खड़े मसाले। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे भिगे हुए चावल। और 1 tablespoon ऑयल डालेंगे हम इसमें। इसे एक बार स्टर करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे हमें लगभग 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। 10 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। आप देखिए चावल जो है हल्के से कुक हो गए हैं, लगभग ये 90% कुक हो चुके हैं। अब इसे हमें छान लेना है। सारा पानी निकाल के इसे हमें फैला के रखना है। अब यहाँ पे जो हमने सब्जियों को कुक होने के लिए रखा था, ढक्कन हटाएंगे। इसका जो है सारा पानी जल चुका है, ये देखिए जो सब्जियां भी 90% कुक हो चुकी हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए अब जो है 1/2 portion इसका हम निकाल के साइड में रखेंगे और आधे को हमें इस तरह से कढ़ाई में ही फैला देना है। अब इसके ऊपर से हम चावल डालेंगे। जितना भी राइस था मैंने उसे 1/2 portion में डिवाइड कर लिया है।
तो आधे पोर्शन को हमें इस टाइम पे डालना है। अच्छे से जो है हम इसे कवर करेंगे। गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है इस टाइम पे। इस तरह से देखिए सारी सब्जियां अच्छे से ढक चुकी हैं इससे चावल से। अब इसके ऊपर से हमें डालना है फ्राई किया हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। इसके ऊपर से फिर से हम जो सब्जियां हमने अलग से निकाल के रखी थी उसे भी इसके ऊपर हमें डाल देना है। अब जो जितने भी चावल बचे हैं इसके ऊपर से हम डाल देंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। फिर से उसके ऊपर से हम डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज, हरा धनिया, एक चम्मच जो है देसी घी, अब इसे हमें ढक के कुक करना है। इसके नीचे हम रखेंगे एक मोटे तले का तवा। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए कुक करना है। 10 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, 10 मिनट लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 20 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और 5 मिनट के बाद ही ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए टोटल इसे कुक होने में 20 मिनट लगे हैं और 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। चावल जो है अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसे एक बार हम स्टर करेंगे, कितने खिले खिले से चावल जो हैं। और ये हमारी बिरयानी जो है बनके रेडी हो चुकी है। इसे आप किसी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसे आप ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, तो कैसी लगी आपको ये बिरयानी की रेसिपी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।